दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने रेलवे ग्रुप डी, एसएससी बैंक, अदर एग्जाम के लिए कई कोर्सेज अपलोड किए हैं, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और मुझे आप सर्च बॉक्स में सर्च करके मुझे फॉलो कर पाएंगे, जहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी अदर एग्जाम के लिए, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। वेलकम टू नॉलेज गुरु जी। दोस्तों आज रेलवे ने अपनी ऑफिशियल साइट पर एक लिंक एक्टिवेट किया है आज की डेट में, यानी कि 12/9/2018 की डेट में लिंक एक्टिवेट किया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो लिंक एक्टिवेट किया गया है ये मॉक टेस्ट से संबंधित लिंक एक्टिवेट किया है रेलवे ने। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं रेलवे की इलाहाबाद की ऑफिशियल साइट पर हूँ। लिंक जो एक्टिवेट किया है रेलवे ने वो ये किया है, क्लिक हेयर फॉर द मॉक टेस्ट लिंक फॉर सीवीटी फॉर लेवल 1 पोस्ट अंडर सीईएन 2/2018। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। ठीक है, यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यहां पर डेटा डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। वो पेज जो ओपन होगा वो पेज आपका पेपर जब स्टार्ट हो जाएगा तब ओपन होगा। ठीक है, डालेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिवेट किया, इसे आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपका जो पेपर होगा वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। इस मॉक टेस्ट से आप लोगों को काफी मदद मिलने वाली है कि आपको ये पहचानने में ये तरीका आसानी से मिल जाएगा कि आपका पेपर कैसा होगा, पेपर का प्रारूप कैसा आने वाला है, सब आपको पता चल जाएगा। तो इस मॉक टेस्ट को एक बार जरूर दें, क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 दिन शेष है और 5 दिन में आपको सब देखना है कि आपका पेपर का लेवल कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो इस मॉक टेस्ट जरूर दीजिए आप लोग। तो देखिए, सिस्टम नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, जहां आपका एग्जाम होगा, जिस सेंटर में आपका एग्जाम होगा, एक लिस्ट लगी होगी, उसमें आपका सिस्टम नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और लैब नंबर, ठीक है, वो आपको आपके सेंटर में ही मिलेगा, लिस्ट में आपको मिल जाएगा। आपको सिस्टम पर बैठने के बाद, जब आप सिस्टम पर बैठ जाएंगे, आपको के सामने आपकी आईडी खुली होगी आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता, आप पेपर देने आपका पेपर स्टार्ट होने का, आप पेपर देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट को जरूर दीजिए, क्योंकि इस मॉक टेस्ट को आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पेपर कैसा आएगा आप कैसा नहीं आएगा। ठीक है, अभी के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।